हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं बिमस्टेक की। ठीक है, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के साथ। इसका मुख्यालय की बात करें तो ढाका में है, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय। यह बंगाल की खाड़ी में बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। ठीक, इसके बिम्स्टेक के सदस्यों की बात करें तो इसमें 7 सदस्य शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार। बिम्स्टेक के सहयोग के क्षेत्र देखें तो इसमें शामिल है व्यापार एवं निवेश, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, मत्स्य। आपको बता दें 8वें मंत्री स्तरीय सहयोग में 7 नए क्षेत्र जोड़े गए थे, कृषि, जनसंख्या, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, लोगों के मध्य संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग। आपको बता दें 14वें सीनियर ऑफिशियल मीटिंग में एक क्षेत्र और जोड़ा गया था, जलवायु परिवर्तन। और 4वें बिम्स्टेक सम्मेलन में 2 क्षेत्र और जोड़े गए थे, माउंटेन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। बिम्स्टेक के सिद्धांत की बात करें तो बिम्स्टेक के देशों के में सहयोग का आधार संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सम्मान इसका प्रमुख सिद्धांत है। अब यहाँ बिम्स्टेक के सम्मेलनों की बात करें तो पहला हुआ था 1 जुलाई 2004 में बैंकॉक थाईलैंड में, दूसरा हुआ था नवंबर 2008 में इंडिया में न्यू दिल्ली में, तीसरा हुआ था मार्च 2014 में म्यांमार में, और तीसरा मार्च 2014 में म्यांमार में, चौथा हुआ था अगस्त 2018 नेपाल में, तो पांचवा होना है जो वो श्रीलंका में होना है। ठीक है, तो एक बार और सम्मेलन को याद रखना, पहला हुआ था जुलाई 2004 में बैंकॉक थाईलैंड में, दूसरा हुआ है 2008 में इंडिया में, तीसरा हुआ है मार्च 2014 में म्यांमार में, चौथा हुआ था नेपाल में 2018 में, और पांचवा जो होना है श्रीलंका में होना है। ठीक, चलिए आज हमने देखा है बिम्स्टेक।